वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, स्नातक स्तरीय भर्ती घोटाला, जैसे कि आपको पता है उसका री एग्जाम जुलाई के मंथ में होने वाला है, लेकिन कोर्ट में कुछ अभ्यर्थी गए हैं जो कि चयनित हैं। उसी संबंध में एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, वो ये आ रही है कि पक्ष न रखने वाले अभ्यर्थी बनाए जा सकते हैं आरोपी। तो पूरी खबर क्या है इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो मेरे साथ अब तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर लीक और परीक्षा में धांधली के चार मामलों की जाँच कर रही है एसटीएफ। तो आप देख सकते हैं यहां पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा समेत अन्य परीक्षा धांधलियों में चिन्हित अभ्यर्थियों में से कुछ अभी भी एसटीएफ के सामने नहीं आए हैं। जी हां, आप देख सकते हैं यहां पर कि इतना सब कुछ होने के बावजूद अभी भी जो वो अभ्यर्थी जो अनुचित साधन का प्रयोग जिन्होंने परीक्षा के दौरान किया था, वो अभी भी जो है सामने नहीं आए हैं। तो इस संबंध में पूछताछ के लिए कई बार नोटिस जारी किए जा चुके हैं। ऐसे में इन अभ्यर्थियों को अब आरोपी बनाया जा सकता है। जी हाँ, इन अभ्यर्थियों को जो है अब आरोपी बनाया जा सकता है। इनके खिलाफ मुकदमे में अलग से सप्लीमेंट्री चार्जशीट कोर्ट भेजी जाएगी। फिलहाल एसटीएफ ऐसे कई अभ्यर्थियों से पूछताछ करने की यहाँ पर कोशिश करी। बता देंगे, आपको पता हो कि लगभग स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा समेत कई ऐसे भर्ती घोटाले हैं जिसमें 44 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि अन्य 3 मामलों में 13 और आरोपियों को दबोचा गया था। लगभग 200 से अधिक अभ्यर्थियों को चिन्हित भी किया गया था। इनमें से ज़्यादातर ने पेपर खरीदकर परीक्षा दी थी। कई अभ्यर्थी ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने पेपर को आगे किसी और को बेचा हो। यही जानने के लिए उनकी कॉल डिटेल आदि खंगाली गई थी। इन अभ्यर्थियों में आप देख सकते हैं इन संदिग्ध अभ्यर्थियों को पूछताछ के लिए एसटीएफ ने कई बार नोटिस भी जारी किए, लेकिन बहुत से अभ्यर्थी अपना पक्ष नहीं रख पाए। पुलिस अधिकारियों के अनुसार इन अभ्यर्थियों ने यदि जल्द पक्ष नहीं रखा तो उन्हें भी जो है मुकदमों में आरोपी बनाया जा सकता है। यानी कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। अभ्यर्थियों की जो भूमिका है उसका भी जो है पता लगाने की यहाँ पर कोशिश करें तो आप देख सकते हैं अभी देखा जा रहा है कि किस अभ्यर्थी की कितनी गलती थी, उसने पेपर आगे बेचा या नहीं बेचा। एडीजी कानून व्यवस्था डॉक्टर वी मुरुगेशन ने बताया कि पेपर बेचने और खरीदने वाले अभ्यर्थियों की जांच अब भी चल रही है। उनकी भूमिका का पता लगाने के बाद उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, इसके लिए अलग से चार्जशीट दाखिल की जाएगी। बता दें कि मामले में 23 आरोपियों के खिलाफ जो है गैंगस्टर एक्ट भी लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से पेपर लीक का मामला जो है अभी भी जो है शांत नहीं हुआ है। बाकी लगातार हमारी अपडेट इस पर बनी हुई है, कोई भी खबर आएगी हम आप तक पहुँचाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।